हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पेपर स्ट्राइक के बारे में आपको बताया था। आज हम आगे जा रहे हैं मैथमेटिक्स में, चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, नंबर सिस्टम। वैसे तो आप बहुत सारे नंबर्स को जानते हो, फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 2 इनफाइनाइट, ठीक है। फिर कुछ लोग 0 को भी जानते हैं, कुछ लोग -1, -2, -3, ये सब नंबर्स के बारे में आप पढ़ चुके हो। प्रीवियसली कुछ नंबर्स जो थे हमने ऐसे भी पढ़े थे, 1/2, 3/4, 5/6, 8 स्टैंडर्ड में हमने ये भी पढ़ा था। ऐसे भी नंबर्स होते हैं, ठीक है, सम सिंपल नंबर। इस बार भी हम कुछ ऐसे ही पढ़ेंगे, लेकिन ये जितने भी नंबर्स हैं उन सबको अगर ठीक से हम डिस्ट्रीब्यूट करते तो नंबर्स कैसे बनते हैं, जो भी आप पहले पढ़ चुके हो उसका रिवीजन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप स्टैंडर्ड 6 में पढ़ चुके हो, स्टैंडर्ड 6 में आप पढ़ चुके हो नेचुरल नंबर्स। क्या पढ़ चुके हो? नेचुरल नंबर्स। आप जानते हो नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 up to infinite। इसका मतलब ये हुआ उसमें सारे कौन से नंबर आएंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स। कौन से नंबर आएंगे उसमें? पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, उसमें पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे। फिर आफ्टर दैट उसको डिनोट, आपको पता है नेचुरल नंबर्स का जो सेट होता है उसे डिनोट किससे किया जाता है? n से। किससे डिनोट किया जाता है? n से। आफ्टर दैट नेचुरल नंबर के बाद अगर नेचुरल नंबर में आप एक और नंबर ऐड कर दो 0, 0 के साथ आप पॉजिटिव इंटीजर जो 1, 2, 3 up to infinite, सो ये हो जाएगा 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स। 0 प्लस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। सो अगर ये 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, अगर ये 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स होता है तो उसके ये हम क्या कहेंगे, उस नंबर्स को हम कहते थे होल नंबर्स, ठीक है, होल नंबर्स। स्टैंडर्ड 6 में ये भी आता था, आपको याद होगा होल नंबर्स को किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल W से, ठीक है, होल नंबर्स को किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल W से। उसके बाद जो नंबर आते थे, आपने नंबर लाइन में स्टडी किया था, ये 0, उसकी राइट साइड में आते थे पॉजिटिव नंबर्स। कौन से नंबर्स? पॉजिटिव इनफाइनाइट तक। लेफ्ट साइड में आते थे नेगेटिव नंबर्स, ये भी इनफाइनाइट तक होते थे, ठीक है। तो ये जो नंबर्स बनते थे उसे हम कहते थे इंटीजर्स। क्या कहते थे? इंटीजर्स। और उसे डिनोट किया जाता था जेड से। जेड से इसलिए डिनोट किया जाता था क्योंकि इसे लैटिन में ज़ेलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज़ेलन। सो इट इज डिनोटेड बाय ज़ेड। अब इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर्स आएंगे? फर्स्ट वन आएगा 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स प्लस क्या आएगा? प्लस नेगेटिव इंटीजर्स। देखिए ये कॉन्सेप्ट आपको स्टैंडर्ड वाइज वाइड होता जा रहा है, का जो कंसेप्ट है वो वाइड होता जा रहा है। आपने स्टैंडर्ड 6 में नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स स्टडी किए थे, नेचुरल में सिर्फ पॉजिटिव आते थे, होल में पॉजिटिव प्लस 0 आ गया। फिर उसके बाद इंटीजर्स आए 7th में आया इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ साथ नेगेटिव इंटीजर्स भी आ गए। फिर प्रीवियसली आपने स्टैंडर्ड 8 में भी एक चैप्टर पढ़ा था, उसका नाम था रेशनल नंबर्स। क्या था? रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो रेशनल नंबर्स को हम डिनोट करते थे, प्रीवियसली जो चैप्टर था उसका क्या नाम था आपका स्टैंडर्ड 8 में? उसका नाम था रेशनल नंबर्स। क्या नाम था बोलो? रेशनल नंबर्स, वेरी गुड। और उसे डिनोट किससे किया जाता था? क्यू से। इसे डिनोट किया जाता था क्यू से, आपको पता है, क्योंकि उसे क्वोशेंट नंबर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वोशेंट नंबर्स। अब आप बोलोगे कि सर इंटीजर्स में 0 आ गए, पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए, नेगेटिव इंटीजर्स
इंटीजर्स आ गए। कुछ लोग जो भूल गए होंगे एट्थ का वो ऐसा कहेंगे जीरो पॉजिटिव इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स आ गए, फिर अब कौन से नंबर बचते हैं जो रेशनल नंबर्स में आएंगे। सो अभी बचते हैं रेशनल नंबर्स में ये सारे जो थे वो इंटीजर्स। इंटीजर्स तो आते ही है बट उसके साथ साथ क्या आते हैं, फ्रैक्शंस भी आते हैं। क्या आते हैं इंटीजर्स के साथ, फ्रैक्शंस। ठीक है, सो इंटीजर्स के साथ फ्रैक्शंस भी आते हैं। सो फ्रैक्शंस आपको पता है 2/3, 5/7, -5/7, -3/5 ऐसे कोई भी इंटीजर फ्रैक्शंस हो सकते हैं। इंटीजर्स प्लस फ्रैक्शंस जो होते हैं उसे क्या कहा जाता है, रेशनल नंबर्स। और रेशनल नंबर का एक जनरल फॉर्म भी होता है, जनरल फॉर्म ऐसा होता है p/q। उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, p/q, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको रेशनल नंबर्स वाला। तो ये थे हमारे जो नंबर्स हमने प्रीवियसली स्टडी किए थे, यहाँ पे नए आएंगे, इसके बाद अभी आगे भी आएगा रियल नंबर्स, लेकिन वो बाद में आएगा डिस्कशन। इसके पहले इसके ऊपर एक्सरसाइज 1.1 है, अब हम उसकी डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसी डिटेल के ऊपर से हम एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 के दो क्वेश्चन है, वो हम अभी लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको टेक्स्ट बुक में ऐसा गिवन है इज जीरो अ रेशनल नंबर, क्या जीरो जो है वो रेशनल नंबर है। फिर आपको बोला है क्या आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो p/q फॉर्म में, कैन यू एक्सप्रेस इट p/q फॉर्म वेयर q इज नॉन जीरो। ठीक है, q जीरो ना हो ऐसे p/q फॉर्म में, क्योंकि रेशनल नंबर का जनरल फॉर्म क्या है p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो सबसे पहली चीज तो आपको पूछा इज जीरो अ रेशनल नंबर, आप बताओ जीरो जो है वो रेशनल नंबर है या नहीं है। रेशनल नंबर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं, इंटीजर्स प्लस फ्रैक्शंस। सो जीरो जो है वो इंटीजर, इंटीजर में कौन कौन से आते हैं, जीरो प्लस पॉजिटिव इंटीजर प्लस नेगेटिव इंटीजर। इसका मतलब ये हुआ रेशनल नंबर में जीरो आ जाता है। सो यस क्या लिखेंगे हम, यस जीरो, यस जीरो इज अ रेशनल नंबर, जीरो इज अ रेशनल नंबर। एंड कैन यू एक्सप्रेस इट, जीरो इज इक्वल टू जीरो अपॉन वन, डिनोमिनेटर में अगर कुछ ना हो तो हमें क्या लिखना पड़ता है, वन। सो देयरफॉर पी इज इक्वल टू जीरो एंड q is equal to 1। हमें सिर्फ यही कहा है क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, पी जीरो हो तो चलता है। ठीक है, सो ऐसा मत सोचना सर पी तो जीरो आ गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब उसके बाद हम आगे जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ट्रू फॉल्स है आपको विथ रीजन लेना है। सो सबसे पहला वाला यहाँ पे मैंने लिखा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। चेक करते हैं नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स में क्या आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स। अब होल नंबर्स में क्या आता है, जीरो प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स सारे आ जाते हैं। सो एवरी नेचुरल नंबर्स, आप कोई भी नेचुरल नंबर लोगे वो होल नंबर में होगा। सो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, इट इज ट्रू। या तो आप सिर्फ ट्रू भी लिख सकते हो, अगर फॉल्स है तो आपको रीजन भी देना पड़ेगा ये ट्रू है। सो अब सेकंड वन, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर, इंटीजर में देखो क्या क्या आता है, जीरो प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स प्लस नेगेटिव इंटीजर्स। और होल नंबर्स में जीरो प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब इसमें इंटीजर में नेगेटिव इंटीजर्स है, होल नंबर्स में नहीं है। सो ये फॉल्स है, क्या है, फॉल्स है। रीजन क्या देंगे, कोई भी एक नेगेटिव नंबर का एग्जाम्पल दे दो, बिकॉज या तो यहीं पे लिख दो फॉल्स, नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स आर इंटीजर बट दे आर नॉट होल नंबर्स। ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद
Every rational number is a whole number. Every rational number is a whole number. Rational number में integers आते हैं, fraction आते हैं. Whole numbers में तो zero plus positive integers ही आता है. तो क्या ये सही है? ना, false. क्यों नहीं है? क्योंकि fractions are rational numbers. Fractions are rational numbers, rational numbers, but not whole numbers. ठीक है, ये clear हो गए true false. तो आपको अपनी फेयर बुक में ये मैंने बोर्ड पे जो भी लिखा है वो सब कुछ लिखना है यहाँ से लेके इसी ऑर्डर में. कोई बोलेगा क्वेश्चन तुम्हें थी वो मैं बाद में करवाऊंगा. इसके बाद पहले इससे रिलेटेड जो टॉपिक है वो हम ले लेते हैं. वो आपका एट्थ में पढ़ चुके वो टॉपिक के ऊपर है तो वो हम नेक्स्ट टाइम में आएंगे. ठीक है, क्लियर. ये क्वेश्चन 1 और 4 कम्प्लीटली लिख लेना, 2 और 3 इसके बाद के लेक्चर लगाएंगे. थैंक यू, गुड बाय. इसके बाद क्वेश्चन 2 और 3 लेंगे, आगे रेशनल नंबर को स्टडी करेंगे. ठीक है.